जयपुर में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम राजे भी मौजूद रहीं। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और टेरर पर पहला सेशन हुआ। काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में सीएम वसुंधरा राजे का संबोधन। सीएम ने आतंकवाद को बताया कैंसर। सीएम ने कहा आतंक के कैंसर को हटाना बेहद जरूरी। सीएम राजे ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आईएसआईएस के खिलाफ सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई का दो दिनों का धरना खत्म हो गया है। दरअसल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में दो केंद्रीय मंत्रियों और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर थे। चौमू में ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान कमेटी के सैकड़ों पीएसीएल के एजेंट और ग्राहकों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली, जिसके बाद रैली थाने के सामने पहुंची और थाने के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। श्रीगंगानगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 36 साल पुराने जमीन सीलिंग मामले में फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन को पीड़ित किसान को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रशासन को फटकार लगाते हुए कलेक्टर की कार को कुर्क करने के भी आदेश दिए हैं। बांसवाड़ा में कलिंजरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 1175 पेटी हरियाणा निर्मित शराब जब्त की है। जयपुर नगर निगम में भुगतान की समस्या गहराती जा रही है। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पूरे शहर में कचरा नहीं उठाया जा रहा है। कचरा उठाने वाले वाहनों के ठेकेदारों की हड़ताल के कारण समस्या गंभीर होती जा रही है। पठानकोट हमले के बाद राजस्थान पुलिस चौकन्ना हो गई है। पुलिस को आशंका है कि आतंकी पंजाब की तरह यहां भी सरहदी इलाकों के थाने चौकियों पर हमला कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी सीमा से सटे जिलों में 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी थानों और चौकियों की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। पोखरण में पाकिस्तानी जासूस पकड़ने के मामले में सुरक्षा एजेंसी को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डाक विभाग के बेसिक फोन से पाकिस्तान में अपने अकाउंट से बात करते थे। इतना ही नहीं, दूसरी जगह से स्कैनिंग मेल के जरिए अहम दस्तावेज भेजते थे। प्रतापगढ़ में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय किसान मजदूर सम्मेलन धरियावद में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम मनरेगा के 10 साल पूरे होने पर आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और सेवादल प्रदेश संगठक राजेश पारीख समेत कांग्रेस के आला अधिकारियों ने शिरकत की। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने अभियंता के पास से 5,500 रुपये की राशि जब्त की है। बहुचर्चित जीवन गोदारा हत्याकांड मामले में आनंदपाल सिंह गैंग से जुड़े हुए चार लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर जेल से डीडवाना कोर्ट लाया गया। पेशी में आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत सिंह समेत परवेज बालिया, दातार सिंह और संजय पांडे की पेशी हुई। कूड़े में फेंक दी गई अनचाही संतानों को भी अब आशियाना मिलेगा। नवजात बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल और उम्मीद अस्पताल में शिशु पालना गृह बनाकर तैयार किए गए हैं। वाणिज्य कर विभाग ने 1 फरवरी से जो ऑनलाइन व्यापार के टैक्स पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाए हैं, उस पर टैक्स कंसल्टेंट्स ने भारी आपत्ति दर्ज की है। कर सलाहकारों का मानना है कि विभाग इसे पूरे प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। कोटा में नर्सिंग की छात्राओं ने बकाया स्टाइपेंड जारी करने की मांग को लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्कूल ऑफ नर्सिंग एमबीएस अस्पताल में 240 प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं। बूंदी जिले में शिक्षा विभाग की ओर से लैपटॉप वितरण योजना के तहत कई प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साई छात्राओं समेत छात्र संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के खिलाफ झुंझुनू में मेघवाल समाज संघ और अन्य दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। प्रदेश में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना देते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार निरंकुश हो चुकी है। किशनगढ़ से जयपुर हाईवे पर ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी पिकअप जीप पलट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए। यह हादसा जीप का टायर फटने की वजह से हुआ। झालावाड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झालरापाटन में बजरी से भरा एक बेकाबू डंपर दुकान में घुस गया। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकान के बाहर खड़ी 3 बाइक चकनाचूर हो गई। मसूदा के महावीर कॉलोनी में एक मकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि मकान में रहने वाले एक शख्स ने जलते हुए गैस सिलेंडर को बाहर फेंक दिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोटा में एक पुलिस कांस्टेबल ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मामला गोकुल कॉलोनी का है, जहां कांस्टेबल सूरजमल पोर्ता ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।
जोधपुर के नंदवान गांव में एक महिला ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला ने शादी के बाद भी पुराने प्रेमी से संबंध जारी रखे, इससे गुस्साई मां वारदात ने वारदात को अंजाम दिया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने एक गैराज में दबिश देकर 5 संदिग्ध लग्जरी कारें और आधा दर्जन नंबर प्लेट बरामद की है। चौहावो थानाधिकारी जब्बर सिंह ने बताया कि इस मामले में गैराज संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर में शादी समारोह में चोरी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। शहर में दो और जगह शादियों में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने जेल से दो महिला चोर का प्रोडक्शन वारंट के तहत फिर से हिरासत में लिया है। पुथली में नगरपालिका तिराहे के पास चोरों ने मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर करीब 10 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक योगेश ने बताया कि दुकान में करीब 10 लाख के स्मार्टफोन थे जो चोरी हो चुके हैं। हालांकि चोरों की सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक से दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग पार हो गया है। 11 साल के लड़के पर बैग चुराने का आरोप लगा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी लड़के की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में दो दिवसीय अखिल भारतीय क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और जेपी नड्डा ने सेशन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने हैदराबाद में छात्र रोहित की मौत के सवाल पर कहा कि ऐसी घटनाएं दुखद हैं। चूरू और जयपुर राजमार्ग पर परिवहन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना परमिट के बसें अधाधुंध दौड़ रही हैं और चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर के परिवहन अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं। परिवहन अधिकारी भी इस बात को स्वीकारते हैं लेकिन विभाग की मजबूरियां गिनाने से नहीं चूकते। सरकारी महकमों में कार्मिकों को उपलब्ध करवाए जाने के प्लेसमेंट एजेंसियों को दिए जा रहे ठेके से एजेंसियों पर मिली भगत का आरोप लगा है। सवालों में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की भूमिका है। इस मामले में निविदा के जरिए एक एजेंसी को लगातार बरकरार रख 60 कार्मिकों का भुगतान नियमों के खिलाफ किया जा रहा है। बारा के छबड़ा में थर्मल के फ्लाई ऐश की मांग को लेकर 3 युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। यह पूरा ड्रामा 6 घंटे तक चलता रहा। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद तीनों युवक टावर से उतरे। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बारा में एबीवीपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष रोहित नागर और कन्या महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष दर्शन शर्मा भी मौजूद रहीं। छात्र नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा एबीवीपी को दलित विरोधी बताने को गलत बताया। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर रतलाम मार्ग पर एक स्कूल ऐसा भी है जो पिछले 7 साल से सामुदायिक भवन के कमरे में चल रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहपुरा में 1 से 5वीं तक के 56 बच्चे सामुदायिक भवन के एक कमरे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बांसवाड़ा शहर के हर मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है जिससे आसपास के लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। नगर परिषद सभापति का वार्ड भी गंदगी से अटा हुआ है। चौमू में ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान कमेटी के सैकड़ों पीएससीएल के एजेंटों और ग्राहकों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली जिसके बाद रैली थाने के सामने पहुंची और थाने के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पाली में एक बार फिर जलदाय विभाग की लापरवाही और गंदे पानी की जलापूर्ति से पीलिया ने दस्तक दिया है। 3 दिनों में 2 लोगों की पीलिया से मौत हो चुकी है। कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहरानी खेत रेल का इंजन शिफ्टिंग के दौरान पटरी से उतर गया। हालांकि इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। नागौर जिले में पिछले साल फसल खराबी के मामले में अब तक पीड़ित किसान मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। इसे लेकर मोकाला, लांबा समेत कई गांवों के पीड़ित किसानों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई और फसल खराबी का मुआवजा दिलाने की मांग की है। भरतपुर में कल से भरतपुर संभाग की सेना भर्ती रैली आयोजित होने जा रही है। वहीं भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। 16 फरवरी तक लोहागढ़ स्टेडियम में होने वाली आर्मी भर्ती रैली के दौरान दलालों से सावधान रहने के लिए जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगे हैं। उदयपुर देहात के कांग्रेसी नेता लाल सिंह झाला के जन्मदिन के मौके पर उदयपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झाला को जन्मदिन की बधाई दी है। जयपुर में यूडीएच मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बैठक ली। मंत्री ने प्रदेश भर के निकायों में आयुक्तों की बैठक ली है जिसमें अभी तक हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं प्रदेश भर में लगी एलईडी लाइट्स का रिव्यू भी लिया गया। मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान के 2 जिले टॉप लिस्ट में शामिल हुए। डूंगरपुर पूरे देश में अव्वल आया तो पाली दूसरे स्थान पर रहा। दोनों जिलों का दिल्ली में सम्मान किया गया। युवाओं में बढ़ते नशे को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया। स्कूलों कॉलेजों में लगाए जा रहे इन शिविरों में युवाओं को नशे से दूर रहने के गुर बताने के साथ साथ नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जा रहा है। एक तरफ तो केंद्र और प्रदेश सरकारें बेरोजगारों को नौकरी देने की बातें करती हैं तो दूसरी ओर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि करीब 50,000 पदों पर भर्ती का मामला अदालतों की तारीखों में फंसा हुआ है।
विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर अलवर की सिलीसेड़ झील में एक पक्षी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में आने वाले प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों को देखने के लिए वन्यजीव प्रेमियों सहित काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी इसमें शिरकत की। डूंगरपुर जिले में कौमी एकता के प्रतीक हजरत मस्तान बाबा का दो दिन का सालाना उर्स आज से शुरू हुआ। जोहर की नमाज के बाद दरगाह परिसर में परचम कुशाई, कुरान ख्वानी और झंडा फहराने की रस्म के बाद उर्स विधिवत शुरू हो गया। उदयपुर के मनरेगा योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। सहकारिता विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न नकद लाभ हस्तांतरण योजनाओं में बैंक खाते खुलवाने के लिए विभाग ने नई पहल की है। सहकारिता विभाग अब गांव गांव ढाणी ढाणी अभियान चलाकर लाभार्थियों के खाते खोलेगा। सहकारिता विभाग में जूनियर को प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने के मामले में सहकारिता मंत्री अजय सिंह कीलक ने हाईकोर्ट में सफाई दी है। अजय सिंह कीलक का कहना था कि मेरिट में जो अभ्यर्थी अव्वल आया है उसके हिसाब से नियुक्ति दी गई है। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में पुलिस ने विस्फोटक से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक से पुलिस ने 300 कार्टन बरामद किए हैं जिसमें विस्फोटक पाउडर भरा हुआ था। इसके साथ ही एक कार्टन फ्यूज वायर भी बरामद हुआ है। अलवर में राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से सामान्य चिकित्सालय में प्रदर्शन किया गया। निर्मित कॉटेज वार्डों को संचालित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर नगर निगम के लालकोठी स्थित मुख्यालय की छत पर ही तीन कंपनियां सब्जी वाले पौधे अपने अपनी तरीके से तकनीक से उगाएंगी। कल से ही ये काम शुरू कर दिया गया था। इन सब्जियों को उगाने के लिए पानी की टंकियों से ही पानी लिया जाएगा। अजमेर शरीफ दरगाह में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से जुड़कर उपग्रह से सीधे संपर्क से चलने वाली घड़ी लगाई गई है। भुवनेश्वर के अब्दुल रहमान वो जायरीन हैं जिन्होंने दरगाह के शाहजानी दरवाजे पर नमाजियों के लिए GPRS घड़ी पेश की है। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में विधायक कोटे से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है। विधायक निर्मल कुमावत ने कस्बे के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस की बैठक लेकर कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने के पॉइंट तय करने पर चर्चा की। राजस्थान में घरेलू नौकरों के अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार ने घरेलू नौकरों की न्यूनतम तनख्वाह तय कर दी है। अब नौकरों को मानक के मुताबिक पगार मिलेगी। राज्य के श्रम विभाग की तरफ से जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक घर में पूरे दिन काम करने वाले नौकरों की मासिक पगार 5,642 रुपये होगी। जोधपुर के शेरगढ़ में गांधी चौक में खुले पड़े नाले में एक सांड गिर गया जिसे नाले से बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर उसे बाहर निकाला जा सका। खुले पड़े नाले में आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर पर दो दिन का राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जहां जलवायु परिवर्तन के काल में बीजीय मसालों की उत्पादकता और लाभ में वृद्धि के लिए नव आयामी पहल विषय पर सेमिनार चल रहा है। कराची लिटरेचर फेस्ट के लिए अनुपम खेर को वीजा नहीं, पाकिस्तान का दावा नहीं मिला वीजा एप्लीकेशन, खेर ने कहा झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर आज रात तक छंट सकती है सियासी धुंध, राज्यपाल वोहरा से मिली महबूबा मुफ्ती, शाम 6 बजे बीजेपी नेता भी गवर्नर से मिले। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले राजनाथ सिंह और NSA डोवाल, आतंकवाद से निपटने के लिए मांगा सहयोग, देश में ISIS समर्थकों की बढ़ती संख्या पर फिक्रमंद। समलैंगिकता पर क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, 5 सदस्यीय जजों की बेंच करेगी सुनवाई, समर्थकों ने जताई खुशी। पश्चिम बंगाल में वीरभूम में TMC नेता सरोज घोष के घर से 3 ड्रम देसी बम मिले हैं, 80 बमों को डिफ्यूज किया गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बरेली में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता पर गोलीबारी की गई, इस दौरान हमलावर उनकी लाइसेंसी राइफल लूट कर ले गए। नरेंद्र का आरोप है कि टिकट न मिलने से नाराज दूसरे नेता ने उन पर हमला करवाया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिलों पर उम्र तय करने के केजरीवाल सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नर्सरी दाखिले के लिए उम्र तय करने का अधिकार उसे किसने दिया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के मुताबिक सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद दोबारा पूछताछ के लिए गवाहों की लिस्ट तैयार होगी। दिल्ली के ITO चौक पर रेड लाइट जंप करने की कोशिश में एक ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की वजह से ऑटो ड्राइवर काफी देर तक ऑटो में फंसा रहा, पास से गुजर रहे लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने दिल्ली में होने वाली आलीशान शादियों से प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। NGT ने दिल्ली सरकार के सभी SDMs की बैठक बुलाकर शादियों से होने वाले प्रदूषण को घटाने के उपायों पर चर्चा के निर्देश दिए हैं।
आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में महिला फिदायीन दस्ता बनाने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस भारतीय महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर बनाकर उन्हें भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की फिराक में है। अब सरोगेसी मदर भी दूसरी महिलाओं की तरह 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। सेंट्रल रेलवे की एक कर्मचारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। मुंबई के बीएमसी स्कूलों में 5वीं क्लास से 8वीं क्लास के छात्रों के लिए विपश्यना क्लास की शुरुआत की गई है। हर दिन स्कूल की शुरुआत और स्कूल बंद होने के वक्त छात्रों को 10 मिनट विपश्यना कराया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लिंग परीक्षण पर बड़ा बयान दिया है। जयपुर में मेनका गांधी ने कहा कि जन्म से पहले लिंग जांच को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि कन्या भ्रूण वाली गर्भवती महिला का ध्यान रखा जा सके। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चंचलानी ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 22 अप्रैल को कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से टोरंटो में डॉक्टर चंद्रा को यह ग्लोबल लीडरशिप और प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए अवार्ड दिया जाएगा। चंचलानी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाले डॉक्टर चंद्रा 6ठे भारतीय हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुए आत्मघाती बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका उस वक्त हुआ जब एक इंटरनेशनल ग्रुप अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए तालिबान से बातचीत करने वाला है। पिछले एक हफ्ते के दौरान रूस ने सीरिया में आईएसआईएस समेत कई आतंकी संगठनों पर 468 हवाई हमले किए हैं। इस दौरान आतंकियों के 1300 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि इस दौरान रूस ने सीरिया को 200 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जीका के फैलने को लेकर पूरी दुनिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। जीका सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कई देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान में स्कूलों और कॉलेजों में बढ़ रहे आतंकवादी हमलों के बीच पूरे पाकिस्तान में 182 मदरसों को बंद कर दिया गया है। इन मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। खासकर पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इन मदरसों को बंद किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मार्च में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यह सम्मेलन ओबामा की काफी महत्वाकांक्षी पहल है। इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। रूस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी मिलिट्री की आर्कटिक रेजिमेंट साइबेरिया में -30 डिग्री पर एक्सरसाइज कर रही है। रेजिमेंट के साथ साथ डॉग्स और रेंडियर भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। चीन के शंघाई शहर में एक ऊंची इमारत की छत से कूदकर सुइसाइड करने की कोशिश कर रही महिला 9वीं मंजिल में फंस गई। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने महिला को सुरक्षित बचा लिया। अमेरिका के लॉस एंजल्स सिटी में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग प्रोपेन गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट के बाद लगी है। 100 से ज्यादा फायर फाइटर ने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। कैलिफोर्निया और नवादा स्टेट में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। यहां के हाईवे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। ब्रिटेन में वोल्वरपटन में सालाना टफ गाय रेस का आयोजन किया गया। इस रेस में हजारों प्रतियोगियों ने शिरकत की। कई खतरनाक लेवल वाली इस 15 किलोमीटर की रेस को दुनिया की सबसे खतरनाक रेस माना जाता है। बजट के बाद हो सकती है ब्याज दरों में कटौती। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का बयान, बजट का करेंगे इंतजार, क्रेडिट पॉलिसी समीक्षा में नहीं है कोई बदलाव। अंतिम सत्र में टूटा बाजार, सेंसेक्स 286 और निफ्टी 100 अंक गिरकर बंद। मेटल, बैंक, पावर और ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा गिरावट। रिक्रूटमेंट कंपनी टीम लीज का आईपीओ आज से खुला। 785 से 850 रुपए के बीच प्राइस बैंड, 4 फरवरी तक खुला रहेगा आईपीओ। बजट में सरकार मनरेगा स्कीम का फंड बढ़ा सकती है, 20% का इजाफा संभव। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर। पल्स ग्रुप की जमीनें बेचकर वसूले जाएंगे निवेशकों के 49,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी बनाएगी जांच कमेटी, 6 महीने में संपत्ति बेचने का आदेश। जी मीडिया की मुहिम का असर।